सोफिया अंसारी के बचपन का एक ऐसा सपना जो अब जाकर पूरा हुआ और इन सोशल मीडिया स्टार की MMS वायरल हो चुकी है। और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लड़का कैसे बना सुपरस्टार, गीमा आशी पेरेंट्स से छिपकर बनाती थी अपनी टिकटॉक वीडियोस, छोटी सी कपड़ों की दुकान में काम करने वाला कैसे बना सुपरस्टार, कंट्रोवर्सी, ट्रोल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्या क्या सहा इन स्टार्स ने। नंबर 1, सोफिया अंसारी। अपनी हॉट अदाओं से सबको लुभाने वाली सोफिया का सपना बचपन से ही एक एक्टर और मॉडल बनने का रहा है। और सोफिया को बचपन से ही डांस का शौक रहा है। वो अपने स्कूल टाइम से ही डांस कॉम्पिटिशन में परफॉर्म करती आ रही है। सोफिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद सोफिया ने टिकटॉक पर अपनी लिपसिंग की वीडियो बनाकर डालना शुरू किया और लोगों को उनकी वीडियो अच्छी लगने लगी। कुछ ही वक्त में सोफिया की वीडियोस वायरल होने लगी थी और सोफिया के सोशल मीडिया पर 100K फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए थे। मगर कुछ लोगों ने सोफिया की वीडियो पर भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिया और उनको ट्रोल भी किया जाने लगा। सोफिया को इस बात का शुरू में बहुत बुरा लगा, मगर बाद में उन्होंने लोगों की नेगेटिव कमेंट्स को नजरअंदाज किया और अपनी पोस्ट डालना जारी रखा। और आज सोफिया सोशल मीडिया की सबसे हॉट स्टार्स में से एक है। मगर दोस्तों, अगर आप सोफिया के फैन हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है कि ये सोफिया का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है और इसके पीछे का कारण सोफिया का एडल्ट एंड बोल्ड कंटेंट बताया जा रहा है। इसके बाद अब सोफिया कब इंस्टाग्राम पर दिखेंगी इसका भी कोई अभी जानकारी नहीं है। नंबर 2, निशा गुरगेन। निशा की टिकटॉक पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसके बाद से मानो उनकी किस्मत ही चमक गई हो। ये निशा की लिपसिंग वीडियो थी जो कि मुझे याद है वो तेरा नजरे मिलाना गाने पर थी। निशा की इस वीडियो पर 2.5 मिलियन लाइक्स आए थे। इसके बाद से निशा सोशल मीडिया पर तेजी से पॉपुलर हो गई। कुछ वक्त पहले निशा का एक MMS वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके बाद से लोगों ने उन्हें गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया। मगर आखिर में निशा ने सबके सामने अनाउंस किया कि वो वीडियो फेक है और किसी ने उनकी वीडियो एडिट की है। फिलहाल निशा के सोशल मीडिया पर मिलियन में फॉलोअर्स हैं और उनकी कमाई लाखों में है। नंबर 3, अंजलि अरोड़ा। वैसे तो अंजलि अरोड़ा काफी वक्त से सोशल मीडिया पर अपनी लिपसिंग की वीडियो डालती आ रही है, मगर उनकी एक कच्चा बादाम वाले गाने पर बनाई वीडियो ज्यादा वायरल हुई जिसके बाद से अंजलि की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। जबकि कुछ लोगों ने अंजलि को इनकी इस वीडियो पर ट्रोल भी किया था। हालांकि अंजलि इससे पहले भी एज अ मॉडल काम करती आई है और कुछ पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में भी काम कर चुकी है। मीडिया के मुताबिक हाल ही में अंजलि अरोड़ा एक डिजिटल क्रिएटर आकाश सनसनवाल के साथ रिलेशनशिप में है। अंजलि अरोड़ा के इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो एक सोशल मीडिया स्टार है। नंबर 4, अनुष्का सेन। इंडिया टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने बचपन से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। अनुष्का सेन में एक्टिंग का टैलेंट कूट कूट के भरा है। अनुष्का को सबसे ज्यादा फेम बालवीर नाटक में मेहर का किरदार निभाने से मिला था। यही वजह है कि इतनी कम उम्र में ही अनुष्का म्यूजिक एल्बम्स, टीवी सीरियल, शॉर्ट फिल्म और यहाँ तक की बॉलीवुड फिल्म में भी काम कर चुकी है। और इसके बाद से अनुष्का सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने लगी और सोशल मीडिया पर भी अनुष्का के फैन बढ़ते गए और मिलियन में पहुंच गए। अनुष्का सेन लगातार अपने करियर में आगे बढ़ती गई और आज अपनी मेहनत के दम पर ही इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। अनुष्का अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहती हैं और फिलहाल सिंगल हैं और इनकी हॉबी डांसिंग, स्विमिंग एंड ट्रैवलिंग है। नंबर 5, गीमा आशी। इनका पूरा नाम गरिमा चौरसिया है। इनका जन्म 28 अगस्त 1997 में उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में एक छोटे से परिवार में हुआ था। इनको भी बचपन से ही डांस का शौक रहा है, इसलिए इन्होंने टिकटॉक पर अपनी डांस की वीडियोस डालना शुरू किया। और काफी वक्त बाद इनकी एक वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुई कि तब से इनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। मगर दोस्तों, आपको बता दें कि गीमा आशी की मॉम को उनका इस तरह से वीडियो बनाना पसंद नहीं था और इसके लिए उन्हें हमेशा डांट पड़ती थी, लेकिन गीमा भी उनसे छिप छिप कर वीडियोस बनाया करती थी। गीमा आशी की बहुत हार्ड गाने पर बनाई गई वीडियो देश में हर कोने तक पहुंच गई थी। इसके बाद में गीमा फेमस होती गई और इन्हें एडवर्टाइजमेंट, म्यूजिक एल्बम्स और शॉर्ट फिल्म्स के ऑफर आने लगे। आज गीमा आशी एक एक्ट्रेस बन चुकी हैं और इनके सोशल मीडिया पर भी लाखों फैन हैं। गीमा आशी को एक्टिंग के अलावा पेंटिंग, डांसिंग और क्राफ्टिंग करना बहुत पसंद है। नंबर 6, जन्नत जुबैर। दोस्तों, जन्नत जुबैर ने बचपन से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी दिखाई है। यही वजह है कि वो सिर्फ 11 साल की ही उम्र में स्टार प्लस के धारावाहिक नाटक फुलवा में नजर आई थी और इसमें उन्होंने मुख्य किरदार को बखूबी तरीके से निभाया था। फैमिली, फ्रेंड्स और ऑडियंस द्वारा इनके टैलेंट की बचपन से ही सराहना की गई है, लेकिन कुछ वक्त के लिए जन्नत ने छोटे पर्दे पर काम करना छोड़ दिया था। फिर उनकी वापसी सोशल मीडिया पर हुई। जब भारत में टिकटॉक ऐप आया तब इन्होंने इस पर वीडियोस डालना शुरू कर दिया था और इनकी वीडियोस ने हर जगह तहलका मचा दिया था। लोगों को जन्नत जुबैर और उनकी बनाई वीडियोस बहुत पसंद आने लगी जिससे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। इसके बाद उन्हें म्यूजिक एल्बम्स के भी ऑफर्स आने लगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक सेलिब्रिटी बन जाने के बाद कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है। हालांकि जन्नत खुद को इस सबसे दूर रखने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मीडिया में उनके लिए तरह तरह की बातें बनती रहती है। एक बार आशिकी 2 टीवी सीरियल में काम करने के दौरान उन्हें किसिंग सीन करना था जिसके लिए जन्नत ने यह तक कह दिया था कि वो कोई भी इंटीमेट सीन नहीं करेंगी, इसके लिए वो सीरियल को छोड़ भी सकती हैं। जन्नत और मिस्टर फैजू को लेकर भी फैंस बहुत बातें बनाते हैं। इनके फैंस को लगता है कि ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं, मगर एक इंटरव्यू में जन्नत बता चुकी हैं कि वो दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं। इसके साथ अवनीत कौर और जन्नत के बीच की लड़ाई को लेकर भी कई बार कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जन्नत इस सबको नजरअंदाज करके अपने करियर में आगे बढ़ती रहती है। आज जन्नत जुबैर यंग एंड सक्सेस सोशल मीडिया स्टार है। नंबर 7, रोहित जिंजरकी। सोशल मीडिया के ये स्टार गुजरात के सूरत से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 9 अप्रैल 1995 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। रोहित के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी,
इनके पिता को शराब पीने की बहुत बुरी लत लग चुकी थी और इनके पिता रोज रात को शराब पीकर घर आते और घर में मारपीट करते थे। कुछ वक्त बाद रोहित की माँ अपने पति से अलग हो गई और अपने बच्चे को पालने के लिए नौकरी करने लगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद रोहित के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे की पढ़ाई कर सके, इसलिए उन्होंने एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन का काम किया। दुकान में काम करने के दौरान ही वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर अपलोड करते थे, मगर उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिससे निराश होकर रोहित ने एक बार फिर अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट भी कर दिया था। मगर दोस्तों के कहने पर उन्होंने दोबारा नया अकाउंट बनाया और इसके बाद उनकी वीडियोस वायरल होने लगी, जिससे रोहित धीरे धीरे फेमस होते गए। टिकटॉक के बैन होने के बाद रोहित ने यूट्यूब पर अपने ब्लॉग बनाने शुरू किए और साथ ही साथ वो इंस्टाग्राम पर भी अपनी पोस्ट के जरिए फेमस होते गए। इसके बाद रोहित को म्यूजिक वीडियोस के लिए भी ऑफर आने लगे। रोहित को एक्टिंग के अलावा हॉर्स राइडिंग बेहद पसंद है और फिलहाल रोहित सिंगल है। नंबर 8, अवनीत कौर। ये एक डांसर, मॉडल और इंडियन एक्ट्रेस है। अवनीत पंजाब की रहने वाली है और अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर है। अवनीत को सबसे ज्यादा फेम डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर, चंद्र नंदिनी और अलादीन शो में काम करने के दौरान मिला। अवनीत कौर एक चाइल्ड एक्टर रह चुकी है और अपनी यंग एज में अवनीत बॉलीवुड फिल्म मर्दानी, करीब करीब सिंगल, दोस्त, एकता और म्यूजिक वीडियो एल्बम तेरी नारी, लक दी कसम, बादामी रंग, फरारी चॉकलेट में भी काम कर चुकी है। इतना ही नहीं, अवनीत कौर ने वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया है। उनकी अच्छी एक्टिंग के लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अवनीत कौर आज लाखों लोगों की क्रश हैं और सोशल मीडिया की स्टार भी हैं। नंबर 9, अर्शिफा खान। अर्शिफा खान उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 2003 में हुआ था। जब ये छोटी थी तब इनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। इन्होंने अपनी पढ़ाई रायन इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से की है। अर्शिफा भी बचपन में टीवी के धारावाहिक एक वीर की अरदास वीरा में गुंजन का किरदार निभा चुकी है। इसके बाद भी इन्होंने कई सीरियल में काम किया है। अर्शिफा के टिकटॉक पर 25 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। इसके बाद से अर्शिफा सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस होती गईं और आज अर्शिफा खान सोशल मीडिया स्टार्स में गिनी जाती हैं और लग्जरी लाइफ जीती हैं। दोस्तों, अर्शी खान एक बार कंट्रोवर्सी का भी शिकार हो चुकी हैं, जब उन्होंने अपने दोस्त दानिश की मौत के बाद रोते हुए वीडियो अपलोड की थी और उनके लिए वीडियो में दुख जताया था। इस बात को लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया और उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया। नंबर 10, रियाज अली। एक छोटे से गाँव के रहने वाले रियाज अली आज एक एक्टर, मॉडल और फैशन ब्लॉगर है और उनकी एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे सोशल मीडिया अपलोड की गई इनकी वीडियोस हैं। जी हाँ दोस्तों, रियाज अली भी उनमें से हैं जिन्होंने अपने शौक शौक में सोशल मीडिया पर अपनी लिपसिंग की वीडियो अपलोड करना शुरू किया था और उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्हें लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिलेगा और वो इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाएंगे। इनका जन्म 14 सितंबर 2003 में भूटान के जयगांव में हुआ था। रियाज कई म्यूजिक वीडियो, यारी है, पहाड़न और सुपरस्टार में काम कर चुके हैं और आज इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। बताया जाता है कि पहले रियाज का वजन बहुत ज्यादा था, जिसे कम करने के लिए रियाज ने 14 साल की उम्र में ही जिम करना शुरू कर दिया था और आज रियाज इतने हैंडसम लगते हैं कि लाखों लड़कियां उन पर फिदा हैं।